स्टूडेंट मैं हूँ प्रत कुमार, और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के लेसन पढ़ रहे हैं। और ये हमारा जो चैनल है वो है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है ना। और इसका ये यूट्यूब क्लास है जिसमें आप सभी का स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं, ये 13 लेसन है, ठीक है ना। और 13 लेसन का आज सेकेंड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि 13 लेसन का पहले वाला पार्ट है वो इस चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो आज देखिए, सत्ता और विविधता के बारे में है और इसका सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं कि सत्ता क्या है, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया कि सत्ता क्या है। तो सत्ता एक तरह शक्ति का एक विस्तृत रूप है जिसमें वेद या कह सकते सही गुण होते हैं, या जिसको जिस शक्ति को लोग सहमति देते हैं, अनुमति देते हैं, या लोग उस शक्ति को मानते हैं और अपनाते हैं, तो इसमें वेद आ जाता है, वेदता गुण वो शामिल हो जाता है। जब शक्ति में वेदता तत्व शामिल हो जाता है तब क्या कहेंगे, सत्ता। जैसे आपने देखा है सरकार है, ठीक है ना। तो सरकार के पास पावर है, लेकिन वह पावर तभी उसके लिए बस तभी उस पावर का सही यूज कर सकता है जब उसके पास सत्ता होती है। तो अब सत्ता है यानी उस सरकार को पावर किसके द्वारा मिला है, जनता के द्वारा, और जनता ने फिर उनके पावर, उनकी जो शक्ति है उसको स्वीकार किया है, यानी अब जो वो करेगी सही करेगी। तो ये जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाए, शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है, तो वह सत्ता का रूप होती है। यानी अब जो शक्ति के द्वारा जो भी कार्य होंगे, ठीक है ना, तो वह उस एक तरह से वेद होंगे। वेद मतलब लीगल होंगे, उनके द्वारा कार्य है वह सही रूप में, और लोगों के कल्याण के लिए होंगे, लोक हित में होंगे। तो इस तरह से लोग फिर उन शक्ति को बिना किसी प्रेशर के मानते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो सत्ता है वो आदेश देने और आदेश पालन करवाने की एक शक्ति होती है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको कि लोग या समाज है, जनता है, वो सत्ता का पालन क्यों करते हैं। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सत्ता का आधार, सत्ता है वो किस आधार पे बनती है, यानी सत्ता का आधार क्या है जब वो लोग अस्तित्व में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सत्ता एक ऐसा स्वतंत्र परिवर्त्य है जिसका शक्ति प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि सत्ता है वह शक्ति के अंदर शामित होती है, और शक्ति और सत्ता के प्रभाव से कोई भी व्यवस्था है वो स्थापित होती है, तो प्रभाव उसमें शामिल रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि सत्ता के अनेक स्रोत व आधार होते हैं। यानी सत्ता जहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पावरफुल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी यानी सत्ता, तो सत्ता स्थापित होने के लिए उसके लिए उसके क्या आधार है। जब लोग कहते हैं कि हाँ ये सत्ता कायम हो गई और सत्ता का ये रूप है, तो सत्ता का मूल आधार तो औचित्य पूर्णता है। मतलब लोग उस सत्ता को क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ औचित्य पूर्ण है। औचित्य पूर्ण का मतलब ये होता है जैसे कोई सरकार काम कर रही है, या सरकार कोई राज शासन व्यवस्था चला रही है, तो वह लोगों के हित के लिए कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए कर रही है। और जो भी सरकार के आदेश होंगे, ठीक है ना, जो कानून होंगे वह शक्ति के तहत होते हैं। जब वह कानून है वह लोगों के हित के लिए होते हैं, कोई भी सरकार योजना चलाती है वो लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए होती है। तो इस तरह से जब शक्ति औचित्यपूर्ण हो जाती है तो उसमें सत्ता आ जाती है, और सत्ता एक तरह से वैदिक लीगल है। सत्ता एक तरह से औचित्यपूर्ण ही यानी सही बात है, या सही काम है जो हम करते हैं एक शक्ति के तहत, वो सत्ता का रूप आता है, यानी सत्ता की तरह होता है। क्योंकि सत्ता के आदेश का पालन सत्ताधारी, सत्ता को जो ग्रहण करते हैं, सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के ऊपर आधारित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे सत्ता है तो एक तो सत्ता को ग्रहण करता है, और ये हो जाएगा सत्ताधारी, क्या हो जाएगा, सत्ताधारी, ठीक है ना। और एक होता है जो क्या करता है, उस सत्ता को मानता है या अपनाता है। तो इस तरह से वह क्या हो गया, सत्ताधीन। अब यहां पे समझना, सत्ताधारी और सत्ताधीन। सत्ताधारी यानी जिसके पास सत्ता है, जैसे सरकार समझ लीजिए, सरकारी संगठन या विश्व सरकार है इसको समझ लीजिए। और सत्ताधीन यानी उस सत्ता के अधीन, सरकार के अधीन कौन है, वहां का समाज, या समाज के, या फिर उस राज्य के लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया सत्ता अधीन। तो इस तरह से जो सत्ता है, ठीक है ना, जो ग्रहण करता है वो सत्ताधारी यानी सरकार हो गया, और जो जिस सत्ता का जहाँ पे पालन हो रहा हो, जो अपना रहे हैं, जो मानते हैं सत्ता को, वो उस राज्य के लोग होते हैं यानी समाज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई है कि
इनके बीच कहीं ना कहीं वो क्या होता है, एक तरह का लेवल बना रहता है, यानी समानता होती है। ये सही से काम करेगी तो समाज है उस व्यवस्था को मानेगा, ठीक है ना, यानी सत्ता है उसके अधीन वो होंगे। लेकिन शक्ति के तौर पे जब सत्ता है वो राज्य में स्थापित होती है तो लोगों के हित के लिए है, तब तो वह सत्ता कायम रहती है, औचित्यपूर्ण कहलाती है। लेकिन शक्ति है वह अनैतिक तरीके से यानी तानाशाही रूप में जब काम करे तो उसके साथ सत्ता शामिल नहीं होती है, और तब लोग भी जब उसके साथ उसकी सत्ता को नहीं मानते और वह शक्ति है वो सिर्फ शक्ति रह जाती है और कभी ना कभी वो जल्दी समाप्त भी हो जाती है। तो शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, सही औचित्यपूर्णता जब शक्ति के साथ शामिल होता है कोई शब्द या कह सके इस शक्ति में कुछ सत्यता की बात है जो ये कर रही है, इसके साथ जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, तो उसमें वैधता आ जाती है, यानी सत्य में जब वैधता मिले तो वह सत्ता का रूप होती है, ठीक है ना, एक अथॉरिटी मिल जाती है। नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस का एक हवलदार होता है जो वहाँ पे अपने चौराहे पे खड़ा है, सिग्नल ऐसे हाथ देता है तो वो गाड़ी रुकती है, या सिग्नल होता है तो गाड़ी रुकती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास सत्ता तो है, मतलब शक्ति तो है, लेकिन उसे सत्ता उस शक्ति के तहत सत्ता भी प्राप्त है, मतलब हम लोगों ने सरकार को सुना और सरकार ने व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरह के जो पद हैं वो सृजित किए हैं, तो उस व्यक्ति के पास सत्ता है, ठीक है ना, और लोग उस सत्ता को जब मान्यता देते हैं तब इस तरह से वह एक शक्ति और सत्ता के तौर पे सही रूप में काम करती है। यानी जो व्यक्ति है जो वो ट्रैफिक पुलिस के जो हवलदार के तौर पे जो काम कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है, वो ऐसा काम कर रहा है और लोग उसकी उस अथॉरिटी उस सत्ता को मान्यता देते हैं। तो अब आपको देखना है कि लोग ये सत्ता का पालन क्यों करते हैं, जैसे समाज में है सरकार के आदेशों को लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि सरकार के पास पावर है, लेकिन पावर से बड़ी बात क्या होती है कि उसके पास सत्ता है, ठीक है ना, क्योंकि वह सत्ता में आई है और सत्ता उसके पास है, क्योंकि लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि हमारे ऊपर कोई राज करें, हमारे समाज को व्यवस्थित करें, तो इसलिए लोगों ने एक उचित रूप में एक शक्तिशाली व्यवस्था का निर्माण किया, और उस उचित यानी उसमें सत्ता भी है, ठीक है ना, लीगल जो बात है, लीगल जो कार्य है वो उस शक्ति के द्वारा किया जाएगा, तो वो सत्ता का रूप होता है। तो इस तरह से लोग हैं सत्ता को मानते हैं। तो इसमें हम अब जो देखेंगे कि सत्ता पालन के आधार क्या है, यानी किस किस कारण से है लोग हैं या समाज है वो सत्ता को अपनाते हैं, या हम सरकार की जो शक्तियाँ हैं पावर है आदि से उसको मानते क्यों मानते हैं, या कोई भी जैसे राजा है, राजा का कुछ राज्य के पास पावर है, ठीक है ना, और उसके पास राज्य के पास सत्ता है, वो सत्ताधारी है, तो उस लोग उसके आदेशों को क्यों मानते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कि लोग सत्ता का पालन करते हैं तो उसके आधार क्या हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखना है सत्ता का पालन के आधार, ठीक है, यानी ऐसे कौन से आधार हैं जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हाँ वहाँ पे सत्ता पालन हो सकती है, होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान कि साइमन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो सत्ता पालन के आधार की जो लिस्ट कह के एक जो सत्ता पालन के कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं, तो वो बताया साइमन ने। तो देखिए भी कि साइमन ने सत्ता पालन के आधार बताए हैं कि यानी ऐसे ऐसे जो आधार है जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि सत्ता पालन होती है, यानी जैसे किसी सरकार की व्यवस्था, सरकार तभी काम करती है जब लोग उसके आदेशों को मानते हैं, और लोग उसके आदेशों को क्यों मानेंगे, क्योंकि लोगों को उस सरकार की सत्ता में कुछ अपनापन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे तत्व हैं जो उन्हें महसूस होते हैं, तो इस आधार पे लोग उस सत्ता व्यवस्था को अपनाते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करें कि सत्ता का पालन होता है तो उसके आधार तत्व क्या है। तो देखिए पहला पहला है विश्वास, ठीक है ना, विश्वास एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है ना, हम अगर कहीं किसी समाज किसी अलग जो कह सकते व्यवस्था में रह रहे हैं और हमें उस व्यवस्था के प्रति या हमें उस व्यक्ति के प्रति हमें या उस समाज के प्रति उस संस्था के प्रति अगर विश्वास है तो हम उनके कहे अनुसार करेंगे, वह जो कहेगा हम मानेंगे, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है
जो आगे वाले को और अच्छा करने के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकती हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल सी बात होती है कि परिवार में हम जब रह रहे हैं तो परिवार के बड़े हैं, वो जो काम करें हमें उनके प्रति पूर्ण रूप में विश्वास होता है कि वो सही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उनके प्रति कॉन्फिडेंस और जो विश्वास होता है, ठीक है ना, तो इसी अकॉर्डिंग हम उन बड़ों के आदेशों को, आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी तरह जो सरकार के पास जो सत्ता होती है, ठीक है ना, उस सत्ता को बनाया हमने है, ठीक है ना, और उसको लीगल भी हम लोगों ने बनाया है, तभी वो सत्ता के द्वारा हमारे ऊपर आदेश हमारे लिए आदेश लागू करती है, तो हम उसकी सत्ता का पालन करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता है और ये विश्वास है कि जो सरकार वो काम करेगी वो हमारे हित के लिए, समाज और हमारे राज्य के हित के लिए करेगी, क्योंकि सरकार वो हमारे लिए बनी है, तो काम भी हमारे लिए सही से करेगी, तो भी सरकार जो भी आदेश देगी उन आदेशों को हम पालन करेंगे, अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा विश्वास है कि सरकार अच्छे से काम करेगी, तो सरकार के पास जो सत्ता है उस सत्ता पर हमें विश्वास है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि सत्ता का पालन क्यों होता है, क्योंकि लोगों को उस व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य के अंदर लोग रह रहे हैं, जो समाज रह रहा है, वो उस सत्ता के ऊपर विश्वास करता है, तो जो विश्वास है उसी के अकॉर्डिंग है सत्ता का पालन होता है और सत्ता एक व्यवस्थित रूप में काम कर सकती है। तो पहला पॉइंट आप समझ जाना कि विश्वास सत्ता पालन का पहला आधार है। विश्वास सत्ता पालन का संभवतः सबसे प्रमुख आधार है और इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है। जैसे कोई सुपरवाइजर है, वो अपने अधीनस्थ को कहता है कि आपको ये काम कर दीजिए, तो वो सुपरवाइजर वो अधीनस्थ को ऐसा करने का अधिकार क्यों दिया है, क्योंकि जो अधीनस्थ है वो उसके नीचे काम कर रहा है और उसके ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसके पास सत्ता है और सत्ता के द्वारा जो वो आदेश दे रहा है वह आदेश जब छोटा है, बिना किसी संकोच, बिना किसी क्यू ऑप्शन के वो उस सत्ता उसके आदेशों का पालन करता है, तो इसका मतलब उस सुपरवाइजर के नीचे जो काम करे जो व्यक्ति है उसको अपने सुपरवाइजर पे विश्वास है, यानी वो उसके आदेशों का पालन कर रहा है। तो जब आदेशों का पालन होता है तो वही यहाँ पे सत्ता का पालन होता है, सत्ता पालन का आधार विश्वास के तौर पर है। तो इसी तरह दूसरा जो पॉइंट आता है कि सत्ता पालन के आधार के तौर पर चार है, तो दूसरा है एक रूपता। एक रूपता का मतलब होता है कि एक तरह की व्यवस्था होना। अब समझ लीजिए कि हम परिवार से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो पुत्र हैं एक पिताजी के, मतलब कह सकते कि एक परिवार में दो बेटे हैं, ठीक है ना, तो एक के प्रति तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और एक को तिरस्कार करते हैं, एक को बार बार टोकते हैं और उसको कहते हैं कि तू काम करिए क्या करे बग्गी बैठा है, और दूसरे को वो ऐसे बैठा है लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो दो में से वो जो एक है जिसको बार बार टोकते हैं तो वो क्या कहेगा कि इस तरह से तो होगा तो ये तो बहुत गलत है, तो फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने फादर के प्रति जो तिरस्कार करते हैं, जो उस बच्चे के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो उनके प्रति विरोधी हो जाएगा। वो कहेगा मैं क्यों मानूं, आप तो उसके पास ऐसा व्यवहार करते हो, मैं आपकी आज्ञा को क्यों मानूं। फिर वो उस परिवार के जो सदस्य या प्रमुख उसके आदेशों को नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ पर जो परिवार के जो प्रमुख हैं वह उनका व्यवहार क्या भेदभावपूर्ण हो जाता है। तब यहाँ पे जो उस परिवार का जो प्रमुख होता है, जिसको आदेश देने का जिसके आदेश को सभी मानते हैं, यानी कैसे कि परिवार में जो प्रमुख है उसके पास सत्ता होती है, उसके आदेश को परिवार के सभी मानते हैं, लेकिन अगर वो आदेश देने वाला उसके आदेशों में एक रूपता नहीं है, भेदभाव है, तो फिर जो अपनाने वाले जो आदेश को मानेंगे उनमें भी एक रूपता नहीं होगी, फिर वो कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न कर देंगे। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जिसके पास सत्ता है, ठीक है ना, शक्ति और सत्ता का जो रूप है उसके द्वारा अगर लोगों के बीच जो शासन किया जा रहा है, यानी आदेश करवाया जा रहा है, तो किसी को आदेश के लिए बाध्य किया जाता है कि आपको आदेश मानना पड़ेगा और किसी को आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, तो ये तो भेदभाव हो जाता है, एक रूपता नहीं है, एक तरह की गतिविधि नहीं है, तो इससे फिर लोग है वो उस सरकार के विरोधी हो जाते हैं और सरकार जो कहेगी वो मानेंगे ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि सरकार या जो भी है जिसके पास सत्ता है, सत्ताधारी है, वह उसके जो कानून है, जो प्रारूप है, जो कार्य है, वो सभी के लिए समान हो, वह जो भी आदेश दे वो सभी के लिए हो, ठीक है ना, भेदभावपूर्ण रवैया है वो नहीं अपनाए। और परिवार में भी यही है कि परिवार का जो प्रमुख है, जिसके पास परिवार को चलाने की पावर शक्ति है, तो वह परिवार के प्रति समान व्यवहार करे, तो इस तरह से उनके व्यवहारों में, सरकार के व्यवहारों में या परिवार के व्यवहारों में एक रूपता आ जाएगी, और एक रूपता आने से, समानता आने से क्या होगा कि जो उसका जो कह सके परिवार में जो बेटा है या फिर सरकार के अंदर के जो जनता है, फिर वह उसके आदेशों को, सरकार के आदेशों को या परिवार में पिता के आदेशों को, जो प्रमुख है उसके आदेशों को बिना किसी संकोच के वो पालन करेंगे, वो जो कहेंगे तुरंत है वो मानेंगे, सरकार जो आदेश देगी जनता मानेगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार या जो भी व्यवस्था है वो उसके हित के लिए काम करी है और उसकी नज़रों में सभी बराबर है, तो सभी के लिए समान व्यवस्था स्थापित की जा रही है। तो इस तरह से
एक रूपता का मतलब है भेदभावना, सभी के लिए समान तरह की व्यवस्था कानून है वो या आज्ञा है वो लागू करना हुआ। तो इस तरह से जब सरकारी व्यवस्थाएं समान लोगों के लिए समान तरह की रखेगी तो ये एक रूपता स्थापित हो जाती है। राजनीतिक जैसे हम नॉर्मल सी बात या एक और एग्जांपल दे देते, जैसे एक कह सकते हैं कि ऑफिस में ही है, एक तो होता है जैसे बड़ा जो सुपरवाइजर है बाकी उसके अधीन 10-15 काम करते हैं, तो सुपरवाइजर एक को तो कहता है कि हाँ तू तेरे को तो कुछ काम नहीं करना, तू बैठा रहे और दूसरों को काम करवाता है ज़बरदस्ती, कुछ ना कुछ कहता है कि तू इसका काम भी तू कर ले, ठीक है ना, दूसरों को कहेगा और इसको नहीं करवाना है, तो फिर जो बाकी जो बच्चे हैं वो फिर क्या कहेंगे, जो हमारा बॉस है उसका रवैया सही नहीं है, वो तो भेदभाव अपना रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होगा कि उस बॉस के जो काम है जो आदेश है वो कुछ व्यक्ति नहीं मानेंगे, उसके आदेश सत्ता को नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉस है वो भेदभाव रख रहा है, एक रूपता नहीं है। तो जब सभी बॉस के आदेशों को सभी मन से और दिल से करें, इसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि बॉस है उनके आदेश जो कार्य है उनके जो व्यवहारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा है एक रूपता। दूसरा और तीसरा देखिए कि सत्ता पालन का आधार किस आधार पर होता है, नहीं ऐसा कौन सा तत्व है जिससे लोग सत्ता पालन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो है दबाव को जैसे आपने देखा होगा, जैसे लॉकडाउन के समय की बात करें तो लॉकडाउन में जैसे सरकार ने जो कार्य किए हैं, ठीक है ना, सरकार के पास पावर है और पावर यानी पावर के साथ साथ उसमें सत्ता भी है, क्योंकि सरकार के पास वेद गुण है, वेदता है, सरकार के शक्ति के साथ शक्ति यानी सरकार के पास शक्ति है और शक्ति के साथ ही साथ वह उस शक्ति का प्रयोग वेदता के साथ करती है यानी सही रूप में वह काम कर रही है। तो उसके साथ यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास सत्ता है और या फिर कैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जैसे सत्ताधारी है, अगर वह सही रूप में काम कर रहा है तो उसकी शक्ति के साथ जब वेदता जुड़ जाती है, जब वेदता जुड़ जाती है और फिर वह राज्य के लिए जो भी आदेश दें वो उन लोगों के हित के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो जब सभी लोग अपना रहे हैं और कुछ लोग जो उस सत्ता को नहीं मानते तो फिर क्या करना पड़ता है, प्रेशर सख्ती बरतनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के समय है, ये सरकार ने कहा कि भाई आप बाहर मत जाइए, ठीक है ना, थोड़े समय तक आप अपने आप को नियंत्रण में रखें और घर पे रहिए ताकि जो और समस्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सबके भले के लिए कर रही है, सरकार के पास पावर है, सत्ता है और सत्ता के द्वारा जो लोगों का है वो लोग इसको मान भी रहे और कुछ है जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार मजबूरन सत्ता पालन के लिए क्या करेगी, प्रेशर यानी डंडे लगाएगी, ठीक है ना, चक्के तो लगाना दूर की बात, डंडे जरूर लगाएगी, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि कुछ ऐसे जो नागरिक है जो उस सत्ता को नहीं मान रहे हैं, जो कहते हैं कि इससे क्या होता है, तो उनके लिए करना जरूरी है, क्योंकि सत्ता पालन का जो आधार है वो ये होने के बाद दबाव भी है। दबाव का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बता दिया है कि जो अगर कोई लोग नहीं मान रहे सत्ता को, उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर देने से क्या होता है कि बाकी सत्ता का पालन जो लोग अन्य कर रहे हैं वो और सही से कर सके, वरना फिर क्या होगा कि जो सरकार ने कहा कि भाई लॉकडाउन में बाहर मत निकली, तो बहुत मतलब लगभग है जो बाहर नहीं निकले लेकिन कुछ लोग ऐसे घूम रहे, तो फिर लोग क्या समझेंगे, सरकार ने जो आदेश दिया है उसका कोई वैल्यू ही नहीं, लोग समझ ही नहीं रहे, तो इस तरह से ये फिर गतिरोध या भेदभाव हो जाता है। तो सरकार है वो सत्ता जब उसके पास होती है तो इसके तहत जो लोग नहीं मान रहे, जो सत्ता का पालन नहीं कर रहे हैं, सत्ता उनके हित के लिए फायदे के लिए फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो सख्ती यानी प्रेशर दबाव है वो उस पर बनाना पड़ता है और समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो इस तरह ये ध्यान रखना है कि सत्ता पालन का एक और आधार वैसे वो क्या होगा, प्रेशर दबाव होगा, ठीक है ना, जैसे लॉकडाउन में डंडे पड़ना। आगे देखिए वैधानिकता, चौथा है वैधानिकता। तो वैधानिकता का यहां पे समझना है कि कानूनी रूप में, यहां पे एक तरह से इसको समझ लीजिए कानूनन, तो यहां पे समझना है कि इस किस तरह से, देखिए प्रत्येक संगठन में एक पद सोपान व्यवस्था होती है। पद सोपान मतलब जैसे कोई एक सुपरवाइजर होगा, उसके नीचे कुछ और काम करने वाले होंगे, उसके नीचे भी अन्य काम करते हैं, यानी इस तरह से जैसे सरकार के हम देखते हैं ना, कलेक्टर के बाद उसके नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति है, फिर तहसीलदार, इस तरह से अलग अलग सरकार के जो पद होते हैं वो पद सोपान की जैसे बात करें, तो ये पद या जिस तरह से सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बैठाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग राज्य में शांति व्यवस्था रहती है, तो उसके लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं तो वह कानूनन रूप में होते हैं, यानी उनको कानून के द्वारा ये कार्य करने को दिया है और फिर ये जो कहते हैं उनके आदेशों का जो पालन होता है वह यहाँ पे हम कहते हैं वैधानिकता। तो इसको और आगे से देखें, इस पद सोपान में सत्ताधारी को उस स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को या आदेशों के जब पालन होता है वो वैधता के आधार पर होता है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है, सत्ता को लोग इस कारण मानते हैं या स्वीकार करते हैं कि इस या उस सत्ताधारी जो हमें आदेश दे रहा है उस सत्ताधारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, तो वैधानिकता है।
क्योंकि वैधानिकता का मतलब समझ गए ना कि वह सही है, जो हमें आदेश दे रहा है वो सही है, उसको कानूनन रूप में हमने मान्यता दी है। हम संविधान को एक तरह से सबसे सर्वोच्च शक्ति और सत्ता का स्रोत मानते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में जो बातें हैं, जो कर्तव्य जो व्यक्ति के लिए अधिकार नियुक्त किए हैं या उसके द्वारा जो व्यवस्था स्थापित होती है, वो लोगों के हित के लिए होती है। क्योंकि संविधान को उस राज्य की जनता ने, लोगों ने बनाया है, और उसके आधार पर जो भी, उसके अकॉर्डिंग जो सरकार काम कर रही है, तो सरकार के पास जो सत्ता है यानी वो लीगल रूप में है, वैध रूप में है, तो जब उसके द्वारा स्थापित की जा रही सत्ता है और सत्ता के आदेशों का पालन होता है, तो यहाँ पे यही सत्ता के आधार होते हैं। और इसके लिए क्योंकि सरकार है, वह अपने अधीनस्थ और कर्मचारी उसको नियुक्त करती है ताकि वह पूरे जन अपना जो क्षेत्र है, सत्ता है यानी व्यापक है, अपनी जो शक्ति है उसको बड़े लेवल पर लागू कर सके, सब जगह शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। इसलिए सरकार है वो अपने कर्मचारी को हर जगह नियुक्त करती है, और वे कर्मचारी हैं, वे उस सत्ता के रूप में होते हैं। वे एक जैसे पुलिस, तो पुलिस है एक सत्ता का रूप है, और उस सत्ता को लोग हैं वो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह एक तरह लीगल है, उस सत्ता के द्वारा उस पद को बनाया है, यानी वह पद है वो कानूनी रूप में है। पुलिस की जो व्यवस्था है वह कानूनी रूप में है, और वह शांति व्यवस्था बनाए रखती है, और उसके आदेशों को या कार्यों को उसको जब हम मानते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं वो हम मान रहे हैं, वो क्या हो गया? सत्ता का वैधानिक आधार। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सत्ता के क्या थे? आधार जो हमने डिस्कस किया कि इस आधार पे जो व्यक्ति है, समाज है, वो सत्ता का पालन करता है। तो सत्ता पालन के जो ये आधार है वो किसने बताया? साइमन ने। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जस्ट आगे देखते हैं कि जो हम क्या कर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप जैसे अभी आपने समझ लिया है कि सत्ता पालन लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके कुछ आधार है, जैसे विश्वास है, एक रूपता है, दबाव होता है, और भी के कानूनी रूप। तो सत्ता में ये गुण होते हैं, इस आधार पे लोग हैं या जो उस सत्ताधारी के आदेशों को, सत्ताधीन जो लोग होते हैं वो पालन करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, या अब जब हम समझ रहे हैं कि सत्ता की कुछ लिमिट होती है। सत्ता है वह वैदिक रूप में सही होती है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है। जो हम लिमिट को यहाँ पे देख रहे हैं, सत्ता की सीमा, ठीक है ना, इनकी सीमा तक है जो सत्ता है वो वहाँ पे कायम रह सकती है। तो इसके संदर्भ में आपको ये समझना है कि सत्ता पालन के संदर्भ में देखिए, तो सत्ता की सीमा के अंदर हम समझ रहे हैं। तो देखें, सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सही बात है, क्योंकि शक्ति के साथ सत्ता जब शामिल होती है तो उसके द्वारा एक समाज की स्थापना होती है। क्योंकि समाज को जब खुला बिना नियंत्रण के छोड़े, तो बिना नियंत्रण के, तो फिर वो जानवर जैसी व्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए समाज कब बनता है? सब मिलकर रहें और उस पर ऊपर कोई नियंत्रण हो। तो नियंत्रण है वो सत्ता के द्वारा होता है। और इस तरह से ये पहली बात ये कहा गया है कि सत्ता के बिना एक व्यवस्थित समाज की कल्पना ये नहीं की जा सकती। सोच ही नहीं सकते कि एक व्यवस्थित समाज हो सकता है बिना सत्ता के। लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पे सत्ता होनी भी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ को हमने देखा है, बोले आज तक जो आपने समझा है अपने लाइफ में, तो आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि हर चीज़ है उसकी कुछ लिमिट होती है। उससे ज़्यादा अगर उस चीज़ का हावी हो जाए तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वैसे सीमा के संदर्भ में देखिए, तो सत्ता की सीमाओं का आशय है सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग न हो सके। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके पास सत्ता है क्योंकि सरकार ने उसको ये अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है, लेकिन वह उस सत्ता का गलत दुरुपयोग कर ले, तब वहाँ पे सत्ता को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। क्योंकि आपने देखा ही होगा सरकारी पद पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी सत्ता, अपना पावर का गलत मिसयूज करते, गलत फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ रहे हैं सत्ता का जो प्रयोग है या उसकी जो सीमा है वो होनी चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, वरना इसका प्रभाव है वो बाकी जन सामान्य पे पड़ता है। तो पहला तो सत्ता की ये सीमाएं हो सकती है प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्य, आंतरिक या बाह्य रूप में किसी भी तरह हो सकती है। तो देखिए, पहली सत्ता की सीमा में प्राकृतिक सीमाएं, सत्ता जो है, ठीक है ना, अथॉरिटी, उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट का पहला जो पॉइंट है यानी किस तरह की लिमिट हो, तो प्राकृतिक सीमाएं होनी चाहिए उसके ऊपर। अब प्राकृतिक सीमाएं क्या, तो देखिए संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख है, अथवा अगर न हो तो किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को जीवन, सामान्य स्वतंत्रता और सीमित संपत्ति के अधिकार से वंचित करें। यानी आपने ये तो समझ लिया होगा प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है ना, इसे कुछ अपने जीवन का अधिकार, ऐसा नहीं कोई दूसरा आके उसके जीवन उसकी उसको मार दे, ऐसा तो नहीं है। तो व्यक्ति को जो उसकी प्राकृतिक अधिकार हैं, उस अधिकार के ऊपर किसी भी तरह का हनन या उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो इस तरह से प्राकृतिक जो सीमा है वो ये कहती है कि जो अपने जो सत्ता की बात करें
तो सत्ता में ये कहा गया है कि चलो कि कहीं किसी देश में तो अधिकार हैं, तो अधिकार के द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन कहीं पर क्या हो सकता है कि अगर वो वहाँ पे संविधान में व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए तो वहाँ पे वहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है वो उस व्यक्ति के अधिकार भी ले सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसको एक बार वापस समझ लीजिए कि जैसे सत्ता यानी किसी के पास अधिकार है, सत्ता है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी मार सकती है, नहीं मार सकती, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का अधिकार होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक सत्ता का मतलब है ये कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसके ऊपर सत्ता है वो नियंत्रण नहीं कर सकती। व्यक्ति के जीवन के अधिकार हैं उसको जो सत्ता है वो नहीं ले सकती और सत्ता उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लिमिट तय हो जाती है कि सत्ता है वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट है यानी दूसरी सीमा जो सत्ता की है वह है नैतिक धार्मिक विश्वास। तो ये किस तरह से, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ये किस तरह से सत्ता की लिमिट तय करता है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि नैतिकता, जो नैतिकता मतलब सद्गुण सद्प्रवृत्ति होती है, तो नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य एक लिमिट है, एक सीमा है। जब कोई सत्ता यानी सरकार है वह नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश दे, यानी कह दी, ये समझिए कि सरकार है वह अपने अनियंत्रित तरीके से काम करें, या ये कह दीजिए कि बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना, लेकिन सरकार ये कहे कि नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं वो सरकार में किसी भी तरह की सहायता नहीं का काम नहीं करते, उनको देश निकाला कर दिया जाए, अगर ऐसा कहें तो ये सत्ता है वो गलत कर रही है, क्योंकि ये उस सरकार उस सत्ता में नैतिकता नहीं रह गई। तो समझ गए ना, यानी जो सीमा है, जो सत्ता है, सत्ता की जो लिमिट है वो कहाँ होती है कि जब सरकार नैतिकता के शासन पर न चले तो वहाँ पे वो इसको सत्ता को लिमिट इस लिमिट तक होना चाहिए, यानी कि वह कुछ नैतिकता है उस कार्य के ऊपर उल्लंघन करे। और ऐसा नहीं कि सरकार है वो धर्म के मामले में भी ध्यान न दे, क्योंकि धर्म सभी के लिए समान है और सभी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो अगर सरकार किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दे तो इस तरह से दूसरे धर्म के लोग हैं जिसमें गतिरोध हो जाता है, यानी सरकार या सत्ता है वो धर्म के मामले में अपना अड़ंगा न अड़ाए, यानी अपनी कोई काम है वो धर्म के मामले में या उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये जो लिमिट है कि सत्ता है वह यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि नैतिक और धार्मिक या प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत है, वो अपनी लिमिट में रहनी चाहिए उस सत्ता को, वरना उस सत्ता का जो मूल्य है वो अच्छी तरह समाप्त हो जाता है। फिर संस्कृति, सत्ता जो अपनी जो सत्ता है अथॉरिटी है उसकी एक लिमिट है कि वो संस्कृति के तत्व को ध्यान में रखें, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सत्ता को संस्कृति और समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो सरकार है वह समाज के आंतरिक मूल्य गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि सत्ता अगर उनके आंतरिक जीवन गतिविधि उनकी व्यक्तियों की संस्कृति रीति रिवाज को अगर वो कह सके सेड़ती है, हस्तक्षेप करती है, तो फिर वहाँ पर सत्ता है वह फिर उसका मूल्य समाप्त हो जाए, सत्ता को फिर लोग नहीं मानेंगे। तो सत्ता की ये लिमिट रखनी है कि वह व्यक्ति के सांस्कृतिक और जो इसके धार्मिक जो जीवन के अधिकार हैं उसके हस्तक्षेप या उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे तो ही बेहतर है, वरना जो सत्ता है वो अपना मूल्य खो देगी, ठीक है ना। तो ये लिमिट होगी उसकी। चौथी बात करें तो संविधान नियम और उपनियम। यहाँ भी ध्यान रखना है क्योंकि देश में जो व्यवस्था है, ठीक है ना, व्यवस्था में जो सरकार है जिसको अधिकार दिया गया, कानून बनाती है, उस सरकार उस कानून से भी ऊपर कौन है, संविधान है। तो अगर सत्ता कानूनी जो व्यवस्था है यानी जो सरकार है जिसको सत्ता प्राप्त है वह संविधान के अकॉर्डिंग आदेश जारी नहीं करती है, संविधान के विपरीत है वह सत्ता चला रही है, अपनी आदेश दे रही है, मनमानी कर रही है, उनका जो सत्ता का जो रूप है वो संविधान के विपरीत है, तब संविधान कि वो ये अधिकार है या लोगों को वो अधिकार है कि सत्ता को वहीं पे समाप्त करे या सत्ता को माने ही नहीं, क्योंकि सत्ता तभी बनी रहेगी क्योंकि इसमें भेदता होती है। तो सत्ता है वह संविधान के अकॉर्डिंग है वो काम करेगी, अगर संविधान के विपरीत या संविधान के विरोध में जाकर अगर सत्ता चलती है तो वह सत्ता समाप्त हो जाती है। तो सत्ता की लिमिट क्या होती है कि वह संविधान के जो कायदे कानून है उसके अंतर्गत चले, उस व्यवस्था के अनुसार राज्य में जो आदेश है वो लागू करे और उसके अनुसार है वो समाज कल्याण के कार्य करे। तो संविधान एक महत्वपूर्ण है और लिमिट ये तय हो जाती है कि संविधान के कार्यों, संविधान के जो प्रावधान है उसके विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं करे, वरना सत्ता है उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। फिर है आर्थिक सीमा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको समझना है कि प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक सीमाएं वो सीमित होती है,
जैसे एक राज्य है उसकी लिमिट होती है, उतना इतना ही वहाँ पे राज्य से इनकम या टैक्स हो सकता है, वो इतना ही उस राज्य का रोजगार हो सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति का भी यही होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आर्थिक साधन और क्षमता सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति करते हैं। जैसे कोई सरकार है वह कहे कि सभी लोग रह रहे हैं उन सभी को हर महीने 50,000 रुपये दूँ, ठीक है ना, ये उस सरकार कह देती है। लेकिन सरकार के पास ये सत्ता है, वह कह दिया उसने, लेकिन वो पैसे लाएंगे कहाँ से, सरकार कहाँ से लाएगी? तो जो सत्ता है उसकी लिमिट का हो जाती है, सरकार का वो पावर जो है वो कहाँ समाप्त हो जाता है, जहाँ पर आर्थिक सीमाएं आती है। क्योंकि अगर कोई देश गरीब है या कह सकते ठीक ठाक चल रहा है तो वह अमीरों जैसी व्यवस्था नहीं चला सकता, अमीरों जैसा शासन है वो नहीं चला सकेगा, या फिजूल खर्ची नहीं करेगा, या ऐसी कानून या ऐसी सत्ता नहीं चलाएगा जिससे लोग कर्जे में डूबे। क्योंकि एक लिमिट होती है, परिवार में भी पिता की आज्ञा या व्यवस्था तब मानते जब पिता सही से काम करता है। अगर पिता ही या परिवार का जो प्रमुख है वो मौज मस्ती करे, पैसे उड़ाए, ठीक है ना, तो फिर जो परिवार के सदस्य वो उसकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि पिता है वो पैसे कर्ज लेके कर रहा है, तो कर्जे में ये जो सत्ता है वो कायम नहीं रहती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सत्ता है वो कहाँ तक सीमित रहती है, कि जब आर्थिक तत्वों की बात आए तब सत्ता को समझ के करना चाहिए, वो जो भी योजना लागू करें उसमें देखें कि सरकार को इनकम कितनी हो रही है, उसी के आधार पे वो योजनाएं लागू करें और उसी योजना में जो सत्ता है के द्वारा लोग लाभान्वित होंगे। अगर चादर से लंबे पैर फैलाओगे, ठीक है ना, तो पाँव वो ठंडे होंगे या पाँव वो ऐसे दिखेंगे। अगर हमें लिमिट में रहकर सत्ता का पालन करेंगे तभी सत्ता है वो महत्वपूर्ण होती है। सारांश रूप में सत्ता की हमने यहाँ पे बात की, सीमा क्या क्या है। तो अब हम जस्ट ये तो आप समझ लिए हैं कि किस तरह से सत्ता के आधार है, सत्ता की सीमाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विविधता, क्योंकि जब अपना टाइटल ही क्या है, सत्ता और विविधता। अब विविधता क्या है, विविधता मैंने बार बार बता दिया कि सत्ता में कुछ गुण होते हैं तो वही विविधता के रूप में काम में आते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि विविधता क्या है। तो देखिए विविधता, तो विविधता को यहाँ पे समझना है लेजिटिमेसी, ठीक है ना, यानी इसका ये मतलब होता है लॉफुल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अंग्रेजी जो शब्द है जिसको हमने यहाँ पे अभी बोला है, लेजिटमस, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं कि इसका जो इंग्लिश से ट्रांसलेट है, इंग्लिश ट्रांसलेट तो ये है ये तो हो गया इसका इंग्लिश रूपांतरण अंग्रेजी, ठीक है ना। और ये शब्द है वह लेजिटमस से बना है, ये जो अंग्रेजी जो शब्द है, ठीक है ना, लेजिटिमेसी, वह लेजिटमस से बना है। और जो लेजिटमस है वह लैटिन भाषा का है, ये जो शब्द है लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा में अर्थ होता है लॉफुल, लॉफुल यानी कानूनी रूप में, कानूनी रूप में यानी कानूनी रूप में जो सही होता है वही। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वैधता जिसको हम इंग्लिश शब्द कहते हैं लेजिटिमेसी, और जो लेजिटिमेसी जो अंग्रेजी वर्ड है वो किससे बना है, लेजिटमस से, और लेजिटमस वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉफुल यानी कानूनी रूप में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि विविधता एक शक्ति होती है, जब शक्ति के अंदर विविधता आ जाती है तब वह सत्ता बन जाती है, यानी सरकार है वह शक्ति है उसके पास, लेकिन उस शक्ति के अंदर अगर विविधता आ जाए, लोग उस सरकार को मान्यता दें, समाज स्वीकार करें, तो इस तरह से उस शक्ति में वो विविधता आ जाती है, और विविधता आने से फिर वो सत्ता का रूप होती है, यानी फिर वो सरकार वो सत्ता के रूप में, अथॉरिटी के रूप में है, वो काम करती है। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हम एक और नाम दे सकते हैं औचित्यपूर्ण, जिसका यहाँ पे हम दूसरा नाम अभी पढ़ ही रहे हैं विविधता। तो अब आप समझ गए होंगे औचित्यपूर्ण क्या होता है, औचित्यपूर्ण यानी जो उचित है, जो क्या है, उचित है। किसी भी व्यवस्था में
हम किसी समाज में, किसी परिस्थिति में, किसी काल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उस समय के अकॉर्डिंग क्या सही है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो जब जो व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं तो वह कहलाता है औचित्यपूर्ण, ठीक है ना। यानी सरकार है वह लोकतंत्र में, जब वह सरकार लोकतंत्र की सरकार है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना होता है, सत्ता का पालन करना होता है। तो अब उसको वह सरकार वो कैसे काम करेगी, औचित्यपूर्ण में, यानी जो उचित है लोकतंत्र के लिए वही व्यवस्था, वही कानून वहाँ पे काम, वही लागू करेगी। तो इसको हम कहेंगे वैधता, ठीक है ना। समझ गए होंगे कि वैधता क्या है। मैं ये मेरी आशा है कि आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे देखिए, औचित्यपूर्ण की धारणा अत्यंत ही प्राचीन है, क्योंकि पहले से हमने देखा है कि जो सही है वही करना चाहिए, ऐसी जो बातें वो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। तो इस वजह से औचित्यपूर्णता यानी वैधता की जो धारणा है अत्यंत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान और आज के समय में इस जो अर्थ है उसमें कुछ चेंजेज हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक विकास के साथ साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भी भूमिका होती रहती है। अब यहाँ पे शक्ति प्रभाव और सत्ता, शक्ति प्रभाव, शक्ति के द्वारा कहीं पे प्रभाव इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट उसके द्वारा लोग है उस के जो कह सकते हैं शक्ति को जब मानने लग जाते हैं उसको अनुमति देते, तो सत्ता होती है। तो शक्ति सत्ता यानी प्रभाव और औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करते ही प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने के सफल हो सकते हैं। यानी जब व्यक्ति के यानी कि सरकार के पास शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति में अगर सही करने की काबिलियत है, ठीक है ना, यानी लोग ये मानते हैं कि वह सरकार सही है, वह सरकार वैध है, ठीक है ना, वैधता है उस सरकार के पास, क्योंकि वह सरकार सही से काम कर रही है, मतलब वह सरकार औचित्यपूर्ण है यानी वैध है, तब वह सरकार जिसके पास पावर होता है जो काम करती है औचित्यपूर्ण में, तो इस तरह से वह फिर क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जैसे एक शक्ति होती है उस शक्ति में वैधता आ जाती है, यानी वह जो शक्ति है वो काम कैसे कर रही है, औचित्यपूर्ण में लोगों के व्यवहार और लोकतंत्र के अनुकूल काम कर रही है। तो इस तरह से उस शक्ति में जब औचित्यता आती है तब वह सत्ता बन जाती है, यानी शक्ति और सत्ता के बीच कड़ी का काम कौन करता है, वैधता करती है, ठीक है ना। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आगे देखें, मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकार और सत्ताओं का ही विश्लेषण किया है और उसके संदर्भ में विषय दिया, यानी जो मैक्स वेबर उसने भी यही कहा है कि जो सरकार है वह अगर सही रूप में औचित्य रूप में काम करती है तभी वह सत्ता का सुख भोग सकती है। तो आगे देखें, जिस तरह से आपने समझ लिया है तो अब देखें कि जो औचित्यपूर्ण यानी जो वैधता है उसकी धारणा यानी किस तरह से उसका विकास हुआ है, इस विचार का ठीक है ना, वैधता जिसको हम यहाँ पे भी दूसरा नाम दिया जिसको आपको पता ही है औचित्य पूर्णता। तो औचित्य पूर्णता की जो ये विचारधारा है उसका विकास किस तरह से हुआ है वो देखते हैं। तो जैसे ये तो हमने बता दिया है कि जो औचित्य पूर्णता है यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिटिमेसी, और जो लेजिटमस लैटिन भाषा के शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है लॉफुल, यानी जो कानूनी रूप में सही है, मतलब कानूनी रूप में सही का ये मतलब है कि वो वैधानिक है। क्या है, वैधानिक है। तो ये इस तरह से तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है। अब इसके संदर्भ में आगे देखें कि प्लेटो ने न्याय भावना के अंतर्गत, प्लेटो ने जो न्याय के जो विचार दिए थे, तो प्लेटो ने न्याय की भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीज रोपण किया है। यानी उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को उसके लिए जो उचित है वही कर्तव्य अगर वो करेगा, वही काम करेगा तो वो न्याय होता है। तो वहाँ पे ये औचित्यपूर्ण शब्द आता है और औचित्य यानी वैधता शब्द वहाँ पे विदित होता है। तो इस तरह से कहें कि वो वैधता है वो बहुत पहले से ये शब्द है वो समाज में व्याप्त है या उस समय उत्पत्ति के संदर्भ में हुआ है। तो इसके संदर्भ में अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कानून सम्मत शासन यानी कानून के अनुसार जो सही शासन है वही शासन, या ये कहे कि संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी देश का शासन चल रहा है, तो इस अवधारणा में हमें औचित्यपूर्णता का बोध होता है। संविधान के अनुसार शासन चल रहा यानी संविधान है वो कानूनों का कानून है, सर्वोच्च कानून होता है, तो वह
सही रूप में काम करता, औचित्य रूप में, उचित रूप में संविधान देश में वो कानून व्यवस्था बनाए रखता है। तो यहाँ पे जो अरस्तु ने वो कह सकते डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये कहा है कि औचित्यपूर्ण है, यानी वैधता है, वो पहले से ही विचार विद्यमान राज समाज में। इस संदर्भ में लॉक ने अपने विचार दिए हैं। लॉक के विचार देखें, लॉक ने सहमति और समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार को दृढ़ किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, जैसे प्लेटो, अरस्तु है, लॉक है, उन्होंने अपने जो विचार दिए उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जो औचित्य पूर्णता है या वैधता है उसका अर्थ है वो प्रयोग किया है, वो समझा है, क्योंकि उन्होंने जो भी जिस तरह से जो विचार दिए उसमें न्याय की जो व्यवस्था की बात की, तो न्याय है वह कब होगा, जब व्यक्तियों के ऊपर व्यवस्था है या व्यक्ति भी कैसा व्यवहार करें उचित रूप में करें, ठीक है ना, औचित्यपूर्ण रूप में करें, यानी भेद के रूप में जब वो व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से जो विचार है ये जो बहुत पहले से ही बना है, यानी इसका विकास बहुत पहले से हुआ है। इस तरह से आधुनिक युग में, आज की जैसे वर्तमान की बात करें वैधता के ऊपर, तो आधुनिक युग में सार्वभौमिक धारणा के रूप में इसकी पहली बार प्रतिपादित मैक्स वेबर ने किया है, यानी मैक्स वेबर। पहले के विद्वानों ने अलग अलग रूप में औचित्यपूर्णता ने वैधता के बारे में बताया है, लेकिन वर्तमान में जो सही रूप में हम समझते हैं कि कौन किस विद्वान ने वैधता के बारे में औचित्य के बारे में अपने विचार दिए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है मैक्स वेबर, ठीक है ना, जिसने अपने विचार दिए हैं आधुनिक समय में इसके संदर्भ में। तो इसके अनुसार, यानी मैक्स वेबर के अनुसार, औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित है। इनके अनुसार समझ गए होंगे, यानी जब मैक्स वेबर ने वर्तमान समय में औचित्यपूर्णता यानी वैधता के बारे में अपने विचार दिए, तो ये प्रमुख हो गए आधुनिक समय में, और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि औचित्यपूर्णता है यानी वैधता है वह किस पे टिकी होती है, विश्वास पर। लोग उचित तो समझते हैं, उचित क्यों समझे, क्योंकि लोगों को पता है कि उचित क्या है, उचित वह है जो लोगों के हित के लिए, यानी लोगों को उचित जो भी हो रहा है उसके ऊपर विश्वास होता है, यानी औचित्यपूर्णता सरकार है वो सही रूप में काम करती है क्योंकि उसको वैधता प्राप्त है, वैधता प्राप्त है, इसलिए उसे सत्ता भी प्राप्त होती है। जब शक्ति और वैधता मिलती है तब सत्ता का रूप होती है और उस सत्ता को लोग मानते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लोग सत्ता को क्यों मानते हैं, क्यों अपनाते हैं, क्योंकि सत्ता में विश्वास होता है, यानी जो उसमें उस सत्ता में क्या है, वैधता है, औचित्यपूर्णता है, यानी वो जो सरकार उचित रूप में काम कर रही है तब उसमें लोगों का विश्वास होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि औचित्यपूर्णता है वह किस पर आधारित होती है, विश्वास पर आधारित होती है। तो इस तरह से जो ये जो बात कही है वो मैक्स वेबर ने, क्योंकि आधुनिक समय में सत्ता के अपने वैधता के बारे में जो विचार दिए वो मैक्स वेबर ने दिए। अब इसके संदर्भ में आगे देखें, लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत औचित्यपूर्णता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि एक लिमिट मात्रा में विरोध का भी अस्तित्व औचित्यपूर्णता का परिचायक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सत्ता है तो सत्ता का मतलब लोगों को विश्वास है, तो फिर लोग हैं उस सरकार का विरोध क्यों करते हैं। तो देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि सही होते हुए भी हमें उस परिस्थिति का कभी विरोध भी करना पड़ता है, सरकार काम कर रही है लेकिन कभी कभी सरकार का भी विरोध करना पड़ता है, तो जो विरोध किया जाता है यह भी औचित्यपूर्णता के अंतर्गत आता है। यानी आप कभी अगर किसी का विरोध करना चाहें तो ये गलत नहीं है, सही होगा, क्योंकि कभी जो सत्ता है वो अपने कार्यों के प्रति विमुख हो जाती है, तो विरोध होना स्वाभाविक है और विरोध यहाँ पे औचित्यपूर्ण ही माना गया, यानी वैधता के अंतर्गत विरोध करना गलत नहीं है, क्योंकि सरकार कभी काम नहीं करे तो लोग इसके विरोध करके उस सत्ता को समझाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैधता है वह एक तरह से विरोध के रूप में भी शामिल होती है। तो आगे देखें औचित्यपूर्णता के संदर्भ में, और आगे तो ये समझना है कि औचित्यपूर्णता एक ऐसी शक्ति का नाम है या ऐसी परिस्थिति का नाम है, स्थिति का नाम है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता उसके प्रयोग और सामान्य स्वीकृत नियम और गतिविधियों पर आधारित होती है। यानी जिसके पास औचित्यपूर्णता सत्ता यानी वैधता है तो उस पर लोगों को विश्वास होता है,
लोग उसकी सत्ता को मानते हैं और ये व्यवस्था ज़्यादातर लोकतंत्र में देखने को मिलती है। तो इस तरह से इस पर एक जो परिभाषा दी है एस एम लिप्सेट ने, उन्होंने कहा है कि औचित्यपूर्णता का अभिप्राय यानी वैधता का अभिप्राय है व्यवस्था की उस योग्यता और समता से है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। यानी औचित्यपूर्णता एक वह परिस्थिति है जिसके होने से लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है, ठीक है ना, और यह स्थिर भी रहता है क्योंकि सरकार जब विश्वास पर टिकी है तो सरकार इस तरह से ही काम करें। तो ये औचित्यपूर्णता एक ऐसा शब्द है जो स्थायी रहता है, यानी सरकार है वो स्थिर रहती है क्योंकि उसमें विश्वास लोगों का बना रहता है। तो इस तरह से वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। वर्तमान की जो समाज जो संस्थाएं हैं वह उस औचित्यपूर्णता के यानी विश्वास पर आधारित और ये उचित भी हैं। तो इस तरह से ये एस एम लिप्सेट ने जो परिभाषा दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके संदर्भ में आगे देखिए, औचित्यपूर्णता के जो हमने समझा है तो उसको एक और पूर्ण अर्थ में समझे तो क्या होगा। औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दी जाती है। यानी औचित्यपूर्णता का मतलब ये सरकार बनी और सरकार को उचित मान्यता किसने दी है, हम लोगों ने दिए, हमने उनके ऊपर विश्वास किया है। तो इस तरह से लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ये औचित्यपूर्णता दी जाती है और ये किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था के लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं तो उस वैधता की कमी समाप्त हो जाती है। यानी लोगों को उस सरकार के प्रति विश्वास नहीं होता या लोग ये समझे कि सरकार उचित रूप में काम नहीं करती, उसमें औचित्यपूर्ण नहीं है, व्यवहारिक सरकार नहीं है, तो वह सरकार गिर जाती है, सरकार में वैधता है वो समाप्त हो जाती है, सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से साधारण शब्दों में समझें कि औचित्यपूर्णता का स्रोत, औचित्यपूर्णता है वो कैसे प्राप्त होती है, तो औचित्यपूर्णता का स्रोत भय और प्रलोभन नहीं होता है कि लोग भय के कारण किसी भी व्यवस्था में विश्वास करते, ये नहीं होता है। लोग औचित्यपूर्ण व्यवस्था यानी वैधता को कब मानते हैं, जब लोगों को उनमें क्या होता है, विश्वास होता है। लोग किसी परिस्थिति पर विश्वास करते हैं, उनके मूल्य उनकी वैल्यू को समझते हैं, तब उसको लोग उचित और सही समझते हैं, यानी औचित्यपूर्ण समझते हैं, मतलब वैध समझते हैं, वैधता हो जाती है वह, और इस तरह से उसका सत्ता का रूप शामिल होता है। तो अब देखिए औचित्यपूर्णता की विशेषताएं, तो विशेषता में मैं यहाँ पे नोट नहीं करूँगा, आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन सी विशेषता है जो वैधता की है, ठीक है ना, वैधता के किस किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स है। तो वो देखिए, पहला कि सबसे पहले एक तो नॉर्मल चीज़ तो बता दीजिए कि वैधता है उसकी विशेषता क्या होती है कि लोगों को उस पर विश्वास होता है। तो विश्वास यहाँ पर जो बहते हैं, विश्वास और मूल्य ये प्रमुख रूप से है वो वैधता की विशेषता होती है। लोगों को विश्वास होता तो एक विशेषता होती है। इसके अलावा कुछ अन्य जो विशेषता है उसके बारे में देखिए, औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था ही व्यवस्था की समता सम्मिलित होती है। यानी औचित्यपूर्णता जब होती है तो उसमें जो विचार होते हैं, जो धारणा होती है, उस धारणा में लोगों को विश्वास होता है। यानी औचित्यपूर्णता है वो विश्वास का निर्माण करती है, ठीक है ना, तभी लोगों को उस सत्ता उस व्यवस्था में विश्वास होता है, उसको औचित्यपूर्ण सही मानते हैं, उसके आदेशों का पालन होता है। तो यहाँ पे समझना है कि औचित्यपूर्णता है वो लोगों में विश्वास उत्पन्न करती है, ये पहली विशेषता हो गई उसकी। दूसरी है औचित्यपूर्णता की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा संबंध है। मतलब इसका ये है, जैसे लिप्सेट ने कहा है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता यानी कोई सरकार है वो स्थिर 5 साल तक आ रही है तो 5 साल तक रहेगी या गिरेगी, मतलब 2-2.5 साल में ही सरकार वो विघटन हो जाएगा, तो यह किस पर निर्भर करता है, औचित्यपूर्णता में। अगर लोगों को उस सरकार की औचित्यपूर्णता वैधता पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना, तो इस तरह से वो सरकार पूरे 5 साल तक स्थिर रह सकती है, काम कर सकती है। तो पहला क्या हो गया कि दूसरा औचित्यपूर्णता की धारणा के द्वारा किसी भी व्यवस्था है उसको स्थिर बनाया जा सकता है, स्थिरता ही वैधता पर निर्भर होती है। दूसरा तीसरा पॉइंट देखिए इसकी विशेषता का, तो तीसरा किसी व्यवस्था का औचित्य, कोई भी व्यवस्था है उसका औचित्य संबंधित लोगों के मूल्य पर निर्भर होता है। मतलब ये है इसका ये विशेषता कि जो सरकार है, ठीक है ना, वह सरकार जब बनी है तो उस सरकार को मान्यता किसने दी है, लोगों ने,
किसने दिए? लोगों ने, यानी लोगों ने उस सत्ता को, उस वैधता को मान्यता दी है, तभी वह सरकार स्थित है। यानी यहाँ पे समझना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए उसमें औचित्यपूर्ण गुण यानी विविधता होना बहुत ही जरूरी है। किसी व्यवस्था के लोगों की स्वाभाविक ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में ये समझें कि विविधता तभी प्राप्त होती है जब वह देश की सर्वसामान्य जनता के मूल्यों के अनुरूप हो। सरकार तभी अच्छी और लोकप्रिय होती है और स्थायी रहती है जब लोगों ने उसको सहमति दी गई हो। नेक्स्ट देखें, विविधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। जैसे मैंने पहले बताया था कि विविधता है वह क्या करती है, विविधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है। और ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि विविधता के होने से ही कोई भी शक्ति है वह सत्ता बन जाती है। शक्ति तो किस बहुत जनों के पास होती है लेकिन उसकी चलती कहीं नहीं है, क्योंकि शक्ति है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर शक्ति में विविधता आ जाए, शक्ति में क्या आ जाए, विविधता मतलब ऐसा गुण आ जाए शक्ति में कि वो सही है, शक्ति अब वो जहाँ पे भी प्रभावी होगी, जहाँ पे भी शक्ति लोगों के सामने प्रकट होगी तो वह लोग भी उसको मानेंगे हाँ शक्ति जो काम है वो सही रूप में हो रहा है, यानी औचित्यपूर्ण हो रहा है। तो शक्ति के अंतर्गत जब क्या आ जाती है, विविधता, तब वो क्या बन जाती है, शक्ति सत्ता बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। और लास्ट जो विशेषता है वह है विविधता जो है विशाल सामाजिक स्वीकृति के आधारित पर होती है। अब जो विविधता है, विविधता का मतलब है कि विश्वास एक व्यक्ति के विश्वास प्रकट करने से काम नहीं चलता है। विविधता और विश्वास का मतलब है कि उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को उस सरकार के कार्यों पर विश्वास होता है, तो वो सरकार है वो औचित्यपूर्ण हो जाती है। यानी विविधता है तो विविधता का जो विश्वास है वो एक व्यक्ति पर नहीं पूरे जन सामान्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से सभी लोगों का जो समर्थन और विश्वास है वही विविधता बन जाता है और विविधता शक्ति के रूप में परिणित होते। तो ये जो अपना लेसन था वो आपने समझ लिया होगा और आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक कुछ समझ नहीं आया तो वापस देख सकते हैं और अपना को ध्यान रखिए, और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू और हैव अ नाइस डे।